इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नमाज के 6 ऐसे फराइज जिनको छोड़ देने से या अनजाने में छूट जाने से नमाज मुकम्मल अदा नहीं होगी और नमाज को दोबारा पढ़नी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर वीडियो को स्किप कर दिया तो जो नमाज में गलतियां हो रही है उन गलतियों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, जिससे हमारी नमाज अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल नहीं होगी, नमाज दोबारा अदा करनी पड़ेगी। तो देखते हैं नमाज के 6 फराइज कौन कौन से हैं, अच्छी तरह से आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए ताकि हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए। नंबर 1 है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 है कयाम करना यानी सीधे खड़े होकर नमाज अदा करना। नंबर 3 है किरत करना यानी कुरान की आयत पढ़ना। नंबर 4 है रुकू करना यानी दोनों हाथों को अपने घुटनों तक ले जाना। नंबर 5 है हर रकात में 2 सजदे करना। नंबर 6 है कायदा करना यानी अतयात पढ़ना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता करें और अल्लाह पाक हमें नमाज के 6 फराइज मुकम्मल याद करने की भी तौफीक अता करें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की मुसीबतों को दूर करें और बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन जरूर लिखें, क्या पता किस भाई की जुबान से निकला आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाए और उसके सदके तमाम मुसलमानों की मगफिरत हो जाए, तमाम मुसीबतें दूर हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।